हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और नवरात्रि के आपको हार्दिक बधाई हो। तो ये है नवरात्रों का पहला दिन। तो सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और उठ के फिर साफ़ सफाई में लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मुझे रात भर वैसे भी ठीक से नींद नहीं आई थी अकेले। तो यहाँ पर मैं जल्दी उठ गई थी, फिर साफ़ सफाई में घर के लग गई थी, क्योंकि भाई अब नवरात्रे हैं तो माता रानी आती हैं, 9 दिन विराजमान रहती हैं घर में, और मेरा 9 दिन का फास्ट भी रहेगा, पूजा पाठ सब होगा। तो फिर भाई थोड़ी साफ़ सफाई तो बनती है। वैसे तो डेली क्लीन रहता है ये घर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डीप क्लीन थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ। वैसे डेली का मेरा रोज़ का यही रहता है सफाई का, डेली मैं ऐसे ही अपने घर की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को मुझे पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि इतना धूल मिट्टी आता है ना रोड वाला घर, मैंने कई बार आप लोग को बताया, तो बहुत मतलब एक ही दिन में पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और कई दिन से ना मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, हवाएं हवाएं बहुत चल रही हैं, हवा पानी, और एक दिन तो ओले भी गिरे थे फ्रेंड्स, काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, तो बहुत बारिश बारिश सा मौसम हो रहा है। बहुत गंदा भी हो जाता है जल्दी जल्दी, आंगन वगैरह बाहर बार बहुत गंदा हो जाता है बारिश होती है तो। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या मौसम का भी है, अजीब ही है, बिना वक्त के ही बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो भी मेरे डेली के काम रहते हैं वही मैं कर रही हूँ। रूम में सारी चीज़ों को मैंने झाड़ फूँक दिया है, इसके बाद जो है हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे जो मेरे सोफे ऊपर कवर रहते हैं इनको भी झाड़ के रूम में रख देती हूँ, बाद में इसे मैं फैलाऊँगी या धोऊँगी, देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर इसको सोफे को झाड़ भी देते हैं, इसमें देख रहे हो आप हल्के हल्के धूल निकल रहे हैं। डेली मैं झाड़ती हूँ फिर भी धूल निकलते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों कैसे। तो चलो इसको कर लेते हैं, इसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बिना मत जाना, ठीक है। मैं आ गई हूँ अपने किचन में गाइस, और यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो डेली का पोंछते ही हैं, लेकिन थोड़ा कोने कोने जो रह जाता है उसको भी अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि अब व्रत का कुछ भी खाना पीना सब यहीं बनेगा। 9वें दिन जो पूजा वूजा होगी तो हलवा पूड़ी चना सब बनाती हूँ, तो वो सब चीज़ें यहीं पर बनेंगी, तो सब चीज़ों को अच्छे से पोंछ लेंगे। ऊपर भी और नीचे भी मैं साफ़ करती हूँ, तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, सिर्फ ऊपर का दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से सारी क्लीनिंग कर लेते हैं। और अगर मेरी आदत, अगर मैं क्लीनिंग करती हूँ तो एकदम मगन होकर करती हूँ ना, कि एक भी कोना ना छूटे, मतलब क्लीनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और करती हूँ तो करती ही रहती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, मतलब बड़ी अजीब टाइप की मूडियाँ हूँ मैं एकदम। अगर करने बैठ जाऊँगी तो सब कर डालूँगी, नहीं करने बैठूँगी तो कुछ नहीं करूँगी, ऐसे मूडिया टाइप की हूँ मैं। तो देखो किचन जो है एकदम से क्लीन हो चुका है अच्छे से। चलो अब बस क्या करते हैं, झाड़ू मार लेते हैं फटाफट पूरे रूम में, और इसके बाद लगा लेते हैं पोछा, और यहाँ रूम का तो सारा काम फिर निपट जाएगा। बाकी इसके बाद मैंने आंगन वगैरह भी धुला था, बाथरूम भी साफ़ किया था, आज बुधवार था तो साफ़ करके बाल वाल धो लिया था, तो ये सारा काम मैंने आज जो है पूरा निपटाया है सुबह से उठ के। We'll be right back.
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहावा के। मैं एकदम से रेडी होगी और यहाँ पे पूजा पाठ में मैं लग गई हूँ। हालांकि हस्बैंड तो घर पे नहीं थे मेरे, गए थे मतलब उनके दोस्त है तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल में उनके साथ ही रात भर थे वो, तो नहीं आए थे घर। तो ये फूल वूल जो है मुझे मिल गया था, मतलब जिनकी तबीयत ख़राब है ना उनके बेटे दे के गए मुझे फूल वूल। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब जो है मेरे हस्बैंड उनको फ़ोन करके बोल दिए थे उन लोग को, तो वो पहुँचा दिए थे। तो थैंक यू सो मच कि आपने पहुँचा दिया, तेजस था तेजस ने पहुँचाया। यहाँ पे जो है मैं पूजा कर लेती हूँ फाइनली अपनी, और क्या कहते हैं, वैसे तो हस्बैंड को भी मेरे पूजा करनी रहती है, वो जो नवरात्रे और ये शिवरात्रि ये सब दिन जो है पूजा करते हैं अच्छे से, उनका मन लगता है। लेकिन घर पे थे ही नहीं, तो बाद में जब आए थे तब किए थे, बाद का वीडियो फिर मैंने शूट नहीं किया था। सुबह से उठी हूँ खाली, मैंने शायद आधा ग्लास पानी पिया और कुछ भी खाई पी नहीं हूँ, बस काम पर ही लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं, इसके बाद कुछ फल वगैरह खा लूँगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे माता रानी से बस यही इच्छा है कि एक बस एक ही इच्छा है, वो ही पूरी कर दो मेरी, बस और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए माता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते हरि व्रत। रात में बैठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ और हस्बैंड आए थे मेरे आके, मतलब दिन में ही आ गए थे और अभी हैं ही, मतलब खाना वाना खा के सो रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेते हैं, तो मैं एडिटिंग करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। बैठी क्यों, मैं वहाँ सोफे पे लेट के एडिटिंग कर रही थी। अभी जब थोड़ा सा बोलना हुआ तो उठ के मैं चली आई हूँ। तो ब्लॉग कहीं भी आप लोग को पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे। और मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है तो मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड, ठीक है। और कल क्या होता है नवरात्रि में सब आपको दिखाऊँगी, बराबर ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, वीडियो बराबर आएगी अब मेरी, ठीक है। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टाटा, गुड नाइट, जय माता दी।